जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में आएंगे 2,18,000 रुपए। नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन भोगी, भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी अर्जेंट खबर निकलकर सामने आई है। देश भर के समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के साथ 70,96,000 पेंशन धारकों की हो गई है बल्ले बल्ले। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही चैनल आपको ऑथेंटिकेशन के साथ हर जानकारी प्रोवाइड करता है कर्मचारी पेंशन धारक व भूतपूर्व जवानों से जुड़ी। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। अब केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों को जनवरी फरवरी में बढ़ी हुई सैलरी पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते और महंगाई रात के आंकड़े को रिवाइज करती है। अब वो समय आ चुका है कि जब दोबारा से केंद्र सरकार एक बार फिर आपके एक महंगाई भत्ते और महंगाई रात के आंकड़े को रिवाइज करेगी। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को हाल फिलहाल में 46% महंगाई भत्ते और महंगाई रात के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, जो कि जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के लिए एप्लीकेबल था। लेकिन अब 1 जनवरी 2024 से आपके लिए महंगाई भत्ता और महंगाई रात का डाटा बदल चुका है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता महंगाई रात पिछले 6 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर निर्भर करता है कि महंगाई भत्ता और महंगाई रात मौजूदा कितना बढ़ना चाहिए। अब केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कुल मिलाकर 5 महीनों का डाटा निकलकर सामने आया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, जिसके बाद आपका मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 46% से बढ़कर लगभग 50% के आसपास जा पहुंचा है। अभी दिसंबर 2023 के आंकड़े अनाशेष है, जो कि 30 जनवरी को जारी किए जाएंगे। ऐसे में क्लियर हो पाएगा कि महंगाई भत्ता महंगाई राहत आपका 50% रहता है या फिर 51% पहुँचता है। ये दिसंबर के आंकड़ों पर निर्भर करने वाला है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई रात कम से कम 50% हो चुका है। हालांकि दिसंबर के आंकड़ों में तेजी देखी जाएगी तो यह महंगाई भत्ता आपका 51% भी पहुंच सकता है, लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक मानकर चलिए कि 1 जनवरी 2024 से आपका महंगाई भत्ता महंगाई रात 46% से बढ़ते हुए 50% हो चुका है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई रात का केंद्र सरकार हर साल की तरह मार्च महीने में इसको लेकर ऐलान करते हुए दिखाई देने वाली है। मार्च महीने में इसका ऐलान होते ही कर्मचारी पेंशन धारकों की मार्च महीने की सैलरी पेंशन बढ़े हुए महंगाई भत्ते व महंगाई रात के साथ जमा करके दी जाएगी, जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों को जनवरी और फरवरी का बकाया महीनों का एरियर का भुगतान भी देखने को मिलेगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। एक और सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों का एक और बड़ा फायदा कर्मचारी और पेंशन धारकों को केंद्र सरकार देने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए साल 2016 में जब सातवें वेतन आयोग के गठन किया गया था, तब साफ तौर पर नियम निर्धारित किए गए थे, जिसमें कह दिया गया था कि जब भी सातवें वेतन आयोग के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ते हुए 50% को टच करेगा या फिर 50% को क्रॉस करेगा, तो ऐसे में केंद्र सरकार कुल 50% महंगाई भत्ते व महंगाई राहत को आपके बेसिक पे में मर्ज कर देगी, यानी कि आपके बेसिक पे में मिला देगी। तो अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% क्रॉस करने ही जा रहा है दिसंबर के आंकड़े आने के बाद। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार कुल 50% महंगाई भत्ते महंगाई राहत को आपके बेसिक में मिलाएगी और नए बेसिक पे का निर्माण किया जाएगा और उसी के तहत आपको सैलरी पेंशन का भुगतान देखने को मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार इसका लेकर ऐलान कब करती है यह अभी कह पाना मुश्किल है। क्या केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसको लेकर ऐलान करेगी या फिर बाद में करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन केंद्र सरकार जब भी इसका ऐलान करेगी तो आपको 1 जनवरी 2024 से नए बेसिक पे के आधार पर बकाया महीनों का एरियर का भुगतान जरूर करके दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार इसको लेकर ऐलान अभी करते हुए तो नहीं दिखाई दे रही, माना जा रहा है कि नई सरकार चुनने के बाद ही केंद्र सरकार इसका ऐलान करते हुए दिखाई देगी। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों को इसका फायदा उठाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों को सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों में छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे सकती है केंद्र सरकार और आपके लिए फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है केंद्र सरकार। दरअसल 2024 में अंतरिम बजट पेश होने वाला है। मीडिया खबरों के अनुसार केंद्र सरकार 2024 के फरवरी महीने में अंतरिम बजट के अंदर बड़ा ऐलान करते हुए दिखाई देगी कर्मचारियों के हक में। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित आंकड़े से बढ़ाकर 3 गुना या 3.68 गुना तक कर सकती है, जिसके चलते कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर या तो 21,000 हो जाएगा या फिर 26,000 रुपये पहुंच जाएगा। यदि केंद्र सरकार 3 गुना करती है फिटमेंट फैक्टर को तो 21,000 रुपये न्यूनतम मूल वेतन होगा, यदि 3.68 गुना करती है तो 26,000 न्यूनतम मूल वेतन होगा।
ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सैलरी पेंशन में रिवीजन देखने को मिलेगा फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी के चलते। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगी कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 26 जनवरी के मंच से 8वें वेतन आयोग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर सकती है कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा। केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लाने के लिए कोई केंद्रीय कमेटी या गठन का ऐलान भी कर सकती है या फिर केंद्र सरकार ऑटोमेटिक पे रिवीजन के तहत सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान भी करते हुए दिखाई दे सकती है, ताकि कर्मचारी और पेंशन धारकों को स्पष्टता मिल सके कि भविष्य में सरकार क्या करने जा रही है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ सकती है 26 जनवरी के मंच से। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी संगठनों का तो साफ तौर पर कहना है कि हमें 8वें वेतन आयोग से कम कुछ भी मंजूर नहीं होने वाला है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारी पेंशन धारकों की जो प्रस्तावित सैलरी पेंशन बढ़ोतरी है वो 44.44% है, जिसका फायदा कर्मचारी पेंशन धारक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में 44.44% की वृद्धि होती है सैलरी पेंशन में तो मानकर चलिए कर्मचारी पेंशन धारकों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। दरअसल कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन एक बार फिर कर्मचारी पेंशन भोगियों की मांग पर जोर देने लगे हैं सरकार के सामने। 18 माह एरियर की मांग को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया गया है और केंद्र सरकार को साफ शब्दों में कड़े लहजे में कह दिया गया है कि केंद्र सरकार 18 माह एरियर का भुगतान करे, अन्यथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ही रास्ता हमारे पास बसता है। 18 माह एरियर की मांग को लेकर इस बार जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा उसमें न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी शामिल होंगे जबकि उसमें राज्य सरकारों के कर्मचारी पेंशन होगी भी शामिल होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की तर्ज पर ही राज्य सरकारों ने भी अभी तक अपने कर्मचारी पेंशन धारकों के 18वां एरियर का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार 18वां एरियर का भुगतान करेगी तो सभी राज्य भी कर्मचारी पेंशन धारकों को 18वां एरियर का भुगतान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसीलिए कर्मचारी पेंशन धारक 18वां एरियर भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं, क्योंकि जब सैलरी पेंशन काटी गई थी 18वां एरियर रोका गया था जब देश की अर्थव्यवस्था के हालात खराब थे, वो समझ में आता है। जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर ट्रेंड होने लगी है इकोनॉमी, उसके बाद भी पेंशन धारकों का हक मारकर रखना यह केंद्र सरकार को शोभा नहीं देता है। केंद्र सरकार को 18वां एरियर का भुगतान तो हर हाल में करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपने पूरे आदेश में कह चुका है कि सैलरी पेंशन काटी नहीं जा सकती। यदि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो सैलरी पेंशन कटौती करती है तो बाद में उसे ब्याज समेत उसका भुगतान करना होता है। ऐसे में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ सकती है। लोकसभा चुनाव के दबाव के चलते केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन धारकों के 18वां एरियर को लेकर ऐलान करते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बैंकों द्वारा लगातार के फिक्स डिपॉजिट के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में पेंशन धारकों के पास कुछ जमा पूंजी है तो वो बैंकों में डालकर एकमुश्त उसमें अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, और जो सीनियर सिटीजन पेंशन भोगी होते हैं उन्हें 1% अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करके दिया जाता है। ऐसे में सभी पेंशन धारकों के पास अच्छा खासा मौका है पैसे कमाने का। जय हिंद, जय भारत।